जो इसका असर है ना, वो ट्रस्ट मी डू नॉट यूज दिस। अब अगर आप बायोटीन या फिर दूसरे सप्लीमेंट विटामिन सी विटामिन ए ले रहे हैं, उस इस कोलाजन बिल्डर में मिट्टी है एंड जो टेस्ट है वो घटिया ही होता है, इसका टेस्ट अच्छा नहीं है। आई नो। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज मी शाइनी आरजू। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ ओजीवा कोलाजन बिल्डर का एक अपडेटेड रिव्यू। मैंने इस प्रोडक्ट को लगभग एक साल से इस्तेमाल किया है एंड ये ही सिर्फ इकलौता बॉटल नहीं है, कई सारे बॉटल्स मैंने ख़त्म किया है। सो आई एम क्वाइट एक्सपीरियंस्ड विद दिस प्रोडक्ट एंड मैं आप लोगों के साथ आपके जो क्वेरीज है वो सॉल्व करूँगी आज के इस वीडियो में, क्योंकि इसके ऊपर जो एक प्रॉपर सा रिव्यू था ना वो मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है मेरे चैनल पे, तो आप चाहते हैं तो उस वीडियो को यहाँ पर क्लिक करके चेक कर सकते हैं। बट आज के इस वीडियो में मैं आपके क्वेरीज के आंसर्स दूंगी। सो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना सोच रहे हैं या फिर आप इसे इस्तेमाल करना सोच रहे हैं। देन डेफिनेटली वॉच दिस वीडियो टिल दी एंड, मेक श्योर वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट करके बताएं आपके मन में कौन सा क्वेरी है ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कई लोगों की ना ये क्वेरी थी कि इस कोलाजन बिल्डर में मिट्टी जैसा कुछ फील हो रहा है, इस कोलाजन बिल्डर में मिट्टी है, ऐसा मुझे कई लोगों ने मैसेज किया है, पर्सनली डीएम किया है इंस्टाग्राम पर। मैंने इसे एक साल से इस्तेमाल किया है, कई सारे बॉटल्स मैंने इसके ट्राई किया है। सो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इसमें मिट्टी जैसा है वो मिट्टी है या फिर वो कुछ और है। जब आप लोग इसे मिक्स करते हैं ना वाटर के साथ तो थोड़ा सा ऐसा मिट्टी जैसा इसका टेक्स्चर लगता है दिखने में, जब आप इसे सिप करते हैं ना तब थोड़ा फील होता है कि हाँ थोड़ा डस्ट पार्टिकल्स जैसे मिट्टी जैसे होते हैं। मैंने कई सारे अलग अलग प्लेटफॉर्म से जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट, फिर उनके वेबसाइट से जाकर जहाँ से भी मैंने परचेस किया है, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर लिंक प्रोवाइड किया है, आप परचेस कर सकते हैं वहाँ से। तो मैंने ना कई अलग अलग जगहों से इस प्रोडक्ट को परचेस करके देखा है, सारे के जो टेक्स्चर है वो सेम ही है, वैसा ही डस्ट जैसा फील होता है। तो जब मैंने इसके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट पढ़े ना तब मुझे लगा कि हाँ इसमें डस्ट जैसा फील हो सकता है, बट ये डस्ट नहीं है, ये कोई ऐसा इम्प्योरिटीज नहीं है, ये एक्चुअली में ही इसका टेक्स्चर है। कि एक्चुअली इसके अंदर ना अकाई बेरी, सी बकथॉर्न, एसरोला चेरी, रोज पेटल्स है, तो इतने सारे प्लांट बेस्ड नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जिसकी वजह से थोड़ा आपको वैसा मिट्टी जैसा या डस्ट जैसा फील होता है, बट एक्चुअली में वो डस्ट नहीं है। सो आप बिल्कुल सेफ है इस साइड से कि इसमें कोई डस्ट या इम्प्योरिटीज मिक्स नहीं किया गया है, क्योंकि मैंने भी पर्सनली फील किया है इसे इस्तेमाल करके, थोड़ा ऐसा डस्ट जैसा फीलिंग आती है बट वो डस्ट नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो इंग्रेडिएंट्स है ना उसे जब आप ग्राउंडर फॉर्म में या नेचुरल फॉर्म में इस्तेमाल करोगे तो थोड़ा ऐसा फीलिंग आएगा। सो यू आर टोटली सेफ ऑन दिस, इसमें कोई डस्ट या इम्प्योरिटीज नहीं है, कई लोगों का ये क्वेरी था, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अब कई लोगों ने मुझे ये भी मैसेज किया है कि हमारा एज है 18 इयर्स, 19 इयर्स, लेकिन स्किन इतना ज़्यादा ड्राई है, क्या हम इसे इस्तेमाल कर सकते हैं? देन ट्रस्ट मी, डू नॉट यूज़ दिस, इसे इस्तेमाल ना करें। अगर आप 20 इयर्स के बिलो है, स्ट्रिक्टली फ्रॉम माई साइड इट्स अ नो नो, अगर आप 20 इयर्स के बिलो है, अगर आपकी एज 20 अबव है तो आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, बट मैं रेकमेंड करूंगी अगर आप लेट 20s में हैं तो आपको इसे इस्तेमाल करना ही पड़ेगा अपने लेट 20s में। अर्ली 20s में इट्स नॉट मैंडेटरी, इट्स योर चॉइस, बट ऑन लेट 20s अगर आप अपनी स्किन को क्लियर और स्किन को एकदम टाइटन करना चाहते हैं, रिंकल फ्री रखना चाहते हैं काफ़ी देर तक, देन डेफिनेटली आपको ये प्रोडक्ट अपने लेट 20s से लेना स्टार्ट करना पड़ेगा, क्योंकि ये वर्क करता है। मैंने इसे इस्तेमाल किया है एंड आई कैन से दैट कि ये डेफिनेटली वर्क करता है, आपकी स्किन को लिफ्ट करता है, अपनी स्किन को टाइटन करता है और रिंकल्स की प्रॉब्लम को थोड़ा थोड़ा ये डीले कर देता है। एक कंटेनर आप खरीद के देखिए, उसे ट्राई कीजिए, आपको 3-4 महीने में डिफरेंस नज़र आएगा। बट अगर आपके 20 इयर्स नहीं हुआ है देन डू नॉट यूज़ दिस, क्योंकि ये आपके लिए नहीं है। अब कई लोगों ने मुझे पूछा है कि मेन के लिए ये परफेक्ट रहेगा कि नहीं, डेफिनेटली मेन ऑल्सो कैन यूज़ दिस, मेन वीमेन सभी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके स्ट्रेस के कारण भी स्किन पर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं तो भी ये काफ़ी हद तक ठीक करेगा, बट हाँ आपका लाइफस्टाइल, आपका स्ट्रेस, आपका खाना पीना ये भी मैटर
करता है, उसके साथ आपको कोलाजन भी लेना है। तो ये एक ओवरऑल बैलेंस है आपका लाइफस्टाइल का, आपका डाइट का, और आप जो ये सप्लीमेंट ले रहे हैं ये सब बैलेंस्ड होना चाहिए। आपका डाइट उटपटांग है, आपका लाइफस्टाइल उटपटांग है, तो आपका स्किन कहाँ से क्लियर बनेगा? सो आपको अपनी डाइट और लाइफस्टाइल पे भी ध्यान देना ज़रूरी है, उसके बाद ही इसका जो इफेक्ट है वो जल्दी आपको नज़र आएगा। अब बात करते हैं इसकी टेस्ट की। कई लोगों ने मुझे पर्सनली DM किया है इंस्टा पर कि इसका बहुत ही घटिया टेस्ट है, मैं क्या करूँ, क्या इसका टेस्ट ऐसा ही है या सिर्फ हमें ऐसा मिला है? तो मैंने अलग अलग वेबसाइट से, फ्लिपकार्ट, अमेजन और उनके पर्सनल जो वेबसाइट है ना उजीवा का, वहाँ से भी परचेज करके देखा है। सारे टेस्ट सिमिलर ही होते हैं और जो उसका टेक्सचर है वो भी सिमिलर होता है एंड जो टेस्ट है वो घटिया ही होता है। इसका टेस्ट अच्छा नहीं है, आई नो दैट, बहुत ज़्यादा टैंगी है, घटिया इन द सेंस बहुत ही ज़्यादा टैंगी है। कुछ ऐसा आपको स्मेली सा कुछ भी फील नहीं होगा, इट्स सो टैंगी क्योंकि इसके अंदर एसरोला चेरी एंड ऑल सारे इंग्रेडिएंट्स है ना, और कोलाजन थोड़ा ऐसा होता ही है, सो इट्स क्वाइट नेचुरल। ऐसा अगर आपको टैंगी वाला टेस्ट पसंद है तो एंड देन आपके लिए ये एकदम टेस्टी सा ड्रिंक बन जाएगा, बट मुझे पर्सनली टैंगी पसंद नहीं है तो इसी वजह से मुझे ये काफ़ी खट्टा लगता है, जो कि आई पर्सनली डू नॉट एंजॉय। लेकिन ये स्किन के लिए इतना ज़्यादा बेनिफिशियल है और इतने अफोर्डेबल रेट में भी आपको मिल रहा है, तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं डेफिनेटली, क्योंकि इसका टेस्ट उतना बुरा भी नहीं है, टैंगी है थोड़ा सा, तो आप वन स्कूप लेकर पहले इसे ट्राई करें, उससे टैंगीनेस, इसका खट्टापन काफ़ी रिड्यूस हो जाता है। उसके बाद धीरे धीरे आप 2 scoops पर अपग्रेड हो सकते हैं। अब इसे किस टाइम लेना है वो भी मैटर करता है, आप इसे रात पे नहीं ले सकते, कोलाजन रात में नहीं लेना चाहिए क्योंकि वो स्किन के लिए अच्छा नहीं होता है। आप इसे सनसेट से पहले ले लीजिए। द परफेक्ट टाइम टू टेक कोलाजन इज़ आफ्टर योर ब्रेकफास्ट। आप खाली पेट ना लीजिए क्योंकि ये टैंगी है, इसमें खट्टापन है, तो खाली पेट लेंगे एसिडिटी की प्रॉब्लम बढ़ जाएगी। इसी वजह से आपको इसे जब आपका पेट हल्का फुल्का भरा है ना ब्रेकफास्ट के बाद, या ब्रेकफास्ट के टाइम भी आप इसे ले सकते हैं। दैट्स द आइडियल टाइम टू कंज्यूम कोलाजन। और रात को बिल्कुल भी ना लीजिए, लंच के बाद भी अवॉइड करें क्योंकि कई लोग लंच करते हैं 4 बजे, तो 4 बजे इज़ नॉट अ गुड टाइम टू कंज्यूम कोलाजन। आप इसे ब्रेकफास्ट में ले लीजिए, दैट विल बी द परफेक्ट टाइम। अब अगर आप बायोटीन या फिर दूसरे सप्लीमेंट, विटामिन सी, विटामिन ए ले रहे हैं, उसके साथ कोलाजन ले सकते हैं, बट जो टाइम गैप है ना वो 6 आवर्स या 4 आवर्स मिनिमम होना ज़रूरी है। अगर आप विटामिन सी ले रहे हैं, सुबह खाली पेट ले लीजिए विटामिन सी, उसके बाद आप 4 घंटा बाद ये कोलाजन, जो ब्रेकफास्ट के 2 घंटा बाद आप ले लीजिए कोलाजन, तो इससे 4 घंटे का मिनिमम गैप होना ज़रूरी है। द परफेक्ट गैप शुड बी 6 आवर्स, लेकिन अगर उतना ज़्यादा गैप आप नहीं दे सकते, देन 4 आवर्स मिनिमम गैप आपको रखना है बिटवीन 2 सप्लीमेंट्स। सप्लीमेंट्स मतलब सिर्फ ओजीवा के ही सप्लीमेंट्स नहीं, आप किसी दूसरे ब्रांड के सप्लीमेंट्स ट्राई कर रहे हैं तो उसके बीच और कोलाजन के बीच भी, कई दूसरे सप्लीमेंट्स के बीच भी 6 आवर्स का गैप होना परफेक्ट रहेगा। नहीं हो सकता है, देन मिनिमम 4 आवर्स का गैप शुड बी गिवन। सो आई होप मैंने आप सबके क्वेरीज को आंसर्स दिए हैं। अगर फिर भी कुछ भी क्वेरी है तो आप नीचे कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी डेफिनेटली। और वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, जितना हो सके शेयर करें ताकि सबको, सबके मन में जो क्वेरी है ना वो सॉल्व हो जाए। एंड मैं सिर्फ इस कोलाजन, ओजीवा कोलाजन के बारे में ही नहीं बता रही, इन जनरल कोलाजन को रात में कंज्यूम नहीं करना चाहिए, इसी वजह से मैंने इस वीडियो को बनाया है आप सबके क्वेरीज को। आई होप मैंने सॉल्व किया है। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नीचे कमेंट करके बताइए आप कौन सा वीडियो नेक्स्ट देखना चाहते हैं। आज के लिए इतना ही, स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी, बाय।